हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम ट्रबल शूटिंग करेंगे ईटपी के ऑपरेशंस में जो दिक्कतें आती हैं कई बार उनके ऊपर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेस फॉर्म इन द एरेशन टैंक्स। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी ईटपी के जो एरेशन टैंक्स है उसमें फॉर्मिंग शुरू हो जाती है, और एक बार अगर वो फॉर्मिंग शुरू हो गई तो आसानी से रुकने का नाम नहीं लेती। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी अभी जिन्होंने ईटीपी ज्वाइन करी है, फिर कई बार ऐसा हो जाता है, पुराने लोग भी होते हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जब तक हम किसी भी समस्या का रीज़न या फिर रूट कॉज नहीं फाइंड कर लेते, हम उसको दोबारा रोकने से होने से नहीं रोक सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम उसका रूट कॉज फाइंड करेंगे और कैसे ये दिक्कतें दोबारा ना हो, हम उसे शूट आउट करेंगे। ट्रबल शूटिंग है उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस टाइप की फॉर्मिंग है या किस तरह की दिक्कत आ रही है। दूसरा है उसके पीछे का पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, ये हम आइडिया लगाएंगे कि ये रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे कि हमें कन्फर्म पता चल जाएगा कि क्या पॉसिबल क्या कॉजेज हैं इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और उसके बाद हम करेंगे करेक्टिव एक्शन, मतलब हमें क्या एक्शन लेना है जिसकी वजह से वो ट्रबल शूट हो जाए। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है, हमने देखा कि जो एरेशन टैंक है उसके ऊपर वाइटिश थिक, ठीक है, और सोप लाइक स्लज पैदा हुआ है। सोप लाइक जो मतलब स्लज ही फॉर्मिंग हो रही है। इसके पीछे का पॉसिबल कॉज ये हो सकता है कि जो आपका एरेशन टैंक है वो अभी वेल सेट नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपने अभी अभी अपना ईटीपी शुरू की है तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर आज जो है बीओडी लोड है वो ज़्यादा बीओडी लोड दे दिया आपने, ठीक है। तो इसका एग्जामिनेशन कैसा करना है, एग्जामिनेशन हमें ये करना है कि हमें बीओडी एनालिसिस करना है, ठीक है, एमएलएसएस निकालना है, जिससे हम क्या करेंगे, एफएम रेशियो कैलकुलेट करेंगे जो आपका। अब जो ये दिक्कत आई है इसका करेक्टिव एक्शन हमें क्या लेना है कि इस आपको आपने एग्जामिनेशन किया उससे आपको पता चला कि जो एमएलएसएस है वो कम है, ठीक है, और जो एफएम रेशियो है वो बढ़ गया है। एफएम रेशियो बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपने बीओडी आज यानी कि जो आपने फीडिंग करी है वो ज़्यादा हो गई है। इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ये जब कोई नई ईटीपी शुरू करती है या कोई नया बंदा है तो वो ऐसा शुरू शुरू में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हमें करेक्टिव एक्शन ये लेना है कि जो आपने रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज था उसको जो हम ड्रेन मार रहे थे स्लज ड्राइंग बेड में, वो आपने अब बंद कर देना है क्योंकि आपके बैक्टीरिया की मात्रा कम हो चुकी है। आपको रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज बढ़ा देना है, अपने वेस्ट जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको घटा के रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज बढ़ा देना है, ठीक है। और अपना एक एग्जामिनेशन हमने ये देखा कि जो आपका सेकेंडरी क्लेरिफायर है उसमें जो इफ्लुएंट यानी कि जो सुपरनेंट है आपका वो टर्बिड हो रहा है या क्लाउडी है, जबकि हमें क्या उम्मीद रहती है कि जो सुपरनेंट है वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो इसका करेक्टिव एक्शन ये है कि आपने इसका रीज़न ये है कि जो WAS है वो आपने बढ़ा रखा था, अब आपको क्या करना है, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज बढ़ा देना है, ठीक है। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज आप बढ़ा दोगे क्योंकि आपने बीओडी लोड ज़्यादा प्रोवाइड किया है। आपको एक और एग्जामिनेशन इसमें ये करना है कि आपको एरेशन टैंक से सैंपल लेना है और उसका डीओ निकालना है, ठीक है। और करेक्टिव एक्शन ये है कि आपका जो डीओ है वो आपका 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। डीओ जो है 1.5 से 3 तक के बीच में होना चाहिए, तब जाके आपका जो इफ्लुएंट है वो क्लियर आएगा। और एक और पॉसिबल कॉज ये हो सकता है इसका कि जो आपने जैसा पहले भी बता दिया है, तो एक पॉसिबल कॉज ये हो सकता है कि आपने जो आपका स्लज है उसे आप स्लज ड्राइंग बेड में ड्रेन ज़्यादा मार रहे हैं, ठीक है, और आपका वैसे ही बीओडी बढ़ा हुआ है, तो उसको बीओडी को कंज्यूम करने के लिए आपके पास बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एग्जामिनेशन क्या करना है, आपने इसके लिए एग्जाम ये कर सकते हैं, आप एमएलएसएस आपको फाइंड करना है, एफएम रेशियो निकालना है, डीओ आपको फाइंड करना है, और वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज यानी कि आपको ये तो आप इसमें दे सकते हैं आप कितना ड्रेन मार रहे हैं डेली, आपके पास इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टिव एक्शन यही लेना है आपको कि आपको जब आप ये एग्जामिनेशन कर दोगे तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपका एफएम रेशियो जो एमएलएसएस है वो आपका घटा हुआ है, एफएम रेशियो आपको बढ़ गया है, डीओ भी आपका कम है,
ठीक है, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज आपने बढ़ा दिया है, इसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन ये लेना है कि आपको जो वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज है, जो आप स्लज बैग में ड्राइंग मार रहे हैं, उसको 10% डेली बेसिस पर आपको कम करना है, ठीक है, जब तक कि आपकी नॉर्मल कंडीशन वापस ना आ जाए। एक करेक्टिव एक्शन आपको ये लेना है कि आपको धीरे धीरे रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज बढ़ाना है। देखो, अगर आप 10% रिटर्न WS घटा रहे हो तो आपको RAS यानी कि रिटर्न जो है वो आपको 10% डेली बेसिस पे बढ़ाना है। और आपने एक ये चीज़ पता करनी है कि जो आपका सेकेंडरी क्लेरिफायर है उसमें जो स्लज की थिकनेस है ना बॉटम में, 1 से 3 फीट तक, 1 से 3 फीट के बीच में होनी चाहिए। और एक आपका पॉसिबल कॉज ये भी हो सकता है कि MLS कंसंट्रेशन आपका घट गया है। इसका रीज़न ये कि हो सकता है कि जो आपका इफ्लुएंट है ना, इन्फ्लुएंट, उसमें हजारडस वेस्ट आ गए या फिर कुछ टॉक्सिक या पॉइजनस केमिकल आ गया है, जिसके वजह से आपके जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो चुके हैं। या फिर कई बार क्या होता है, मतलब जो बहुत गर्म पानी या बहुत ठंडा पानी आप छोड़ देते हैं ना प्लांट की तरफ से ETP में आ जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो MLSS है यानी कि जो आपके एक्टिव बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं इसके वजह से कई बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपको ये देखना है कि पानी का जो इफ्लुएंट है, मतलब इन्फ्लुएंट है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा तो नहीं है, हैवी मेटल्स तो नहीं है उसमें, COD BOD चेक करना है। कई बार आपको COD BOD बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया सह नहीं पाते और वो डेड हो जाते हैं। करेक्टिव एक्शन से आपको ये लेने हैं कि अगर आपका बैक्टीरिया डेड हो गया तो उसके बाद आपको करेक्टिव एक्शन ये लेने हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है वो आप दूसरी ETP से वो खरीद सकते हैं, मतलब दूसरी ETP से आप प्रोक्योर कर सकते हैं उसे। आप हमारे आपकी कंपनी के आसपास कोई बड़ी कंपनी होगी जहाँ पर जो वो क्या करते हैं, ETP का जो एक्टिवेटेड स्लज है उसे भी बेचते हैं, तो आप वहाँ से खरीद के एक्टिवेटेड स्लज ले सकते हैं। और अपने से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, यानी कि आपने, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एरेशन टैंक है और आपने फ्लो रेट अलग अलग रखा हुआ, किसी में ज़्यादा कर रखा, तो उसके वजह से भी दिक्कत आ सकती है। या फिर आपने रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज की मात्रा कहीं कम कर रखी, कहीं ज़्यादा कर रखी, कहीं वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज तो आप ज़्यादा ड्रेन मार रहे हैं, तो ये आपको बहुत दिक्कतें कर सकती है। आपको इसमें भी बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो आपको करना है, सैंपल कलेक्ट करना है और आपको देखना है कि आपने आपके एरेशन टैंक जो कैपेसिटी उसके हिसाब से आपने ये जो फ्लो रेट है वो बराबर किया है। तो करेक्टिव ऑप्शन ये लेने हैं आपको कि आपको टैंक के और आपके जो बैक्टीरिया हैं उसमें, उसके हिसाब से आपको फ्लो रेट कंट्रोल करना है। अब अगली जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपने देखा कि आज जो फोमिंग हो रही है ब्लैकिश ब्राउन कलर की और शाइनिंग कर रही है, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने कि चॉकलेट कलर की आपकी फोमिंग होने लगती है, जो कि बहुत शाइन करती है। तो इसका पॉसिबल कॉज ये हो सकता है कि जो BOD है, मतलब आपने जो आज फीडिंग की है उसमें कम है, फीडिंग लोड आपका जो BOD लोड है वो कम है, जिसकी वजह से क्या हो गया, एरेशन टैंक आपका अंडर लोडेड आ गया, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, एग्जामिनेशन हमें क्या करना है, हमें जो आपका जो इफ्लुएंट है, मतलब जो आपका एरेशन टैंक है, उसमें आपको MLSS निकालना है, FM रेशियो निकालना है, DO निकालना है और वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज, इन सब का आपको लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करना है। इसके करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे, अगर आप ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा। MLS करोगे आप तो MLS आपको दिखेगा आज MLSS कम हो गया है, ठीक है, MLSS कम हो गया, सॉरी MLSS आपका बढ़ गया आज, ठीक है, FM रेशियो कम हो जाएगा आपका, MLSS इसलिए बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि फूड कम है और बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए हैं, और फूड कम और बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया तो आपका FM रेशियो घट जाएगा। DO निकालना आपको तो DO आपका बढ़ जाएगा। वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज आपको देखना, कंट्रोल करना है कि आप कितना बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, आप कितना वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को ड्रेन मार रहे हो। तो करेक्टिव आपको एक्शन ये लेने हैं इसमें कि आपको जो वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज है ना उसको 10% बढ़ा देना है आपको, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया ना आज, आपका MLSS आज ज़्यादा हो गया है। तो आपको कहना है जो आपको बैक्टीरिया है यानी कि जो आपको स्लज है उसको 10% डेली बेसिस पे आपको ड्रेन मारना है SDB में, ठीक है, जब तक कि नॉर्मेसी ना आ जाए आपके उसमें। तो कुछ दिनों बाद आप देखने लगोगे कि एक आध दिन में, जब मतलब आप हर शिफ्ट में अगर आप वेस्ट एक्टिवेट स्लज को ड्रेन मार रहे हो, तो जो फोमी का कलर है ना वो फेंट होने लगता है, अब वो ब्लैकिश ब्राउन से रहकर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। एक करेक्टिव एक्शन ये है। और दूसरा करेक्टिव एक्शन आपको ये लेना है कि अगर आपके पास एक या एक से अधिक एरेशन टैंक है, तो आपको उसमें फ्लो मेज़र करना है कि आप, कई बार क्या हो जाता है कि अगर एक से ज़्यादा एरेशन टैंक होते हैं तो फ्लो रेट हम कम ज़्यादा कर लेते हैं। अगर आप इस वाले एरेशन टैंक में जिसमें फोमिंग डार्क ब्राउन कलर की हो रही है, अगर आपका इसमें
लोड कम हो गया, बीओडी लोड कम है, तो यहाँ पे वाइट कलर की, ये सॉरी ब्लैक ब्राउन कलर की आपकी फोमिंग होने लग जाएगी। और दूसरा एरिएशन टैंक है जिसमें आपने बीओडी लोड ज़्यादा दिया, तो वहाँ पे पहला वाला कंडीशन आएगा, इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे वाइट सूप कलर का फोमिंग होने लग जाती है। तो ये आपको करेक्टिव एक्शन लेने हैं इसमें, ठीक है। अगला ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि अपेयरेंस ऑफ फोम ऑन द सर्फेस ऑफ द एरिएशन टैंक ऑफ अ कलर डार्क ब्राउन नियरली ब्लैक स्लजी सूप टाइप का, और क्या होता है ये, मतलब बेकार सी सेप्टिक सी बास मारता है, मतलब आपका जो कलर स्लज का कलर है, आपकी जो फोमिंग है उसमें जो डार्क ब्राउन कलर का स्लज आ रहा है और सेप्टिक स्मेल कर रहा है। इसमें एक पॉसिबल कॉज ये है कि जो आपका आपका जो एरिएशन टैंक है ना वो एनारोबिक सिचुएशन में आ गया है। एरिएशन एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन आ गई है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि आपको क्या है, एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखना है कि एयर जो है वो बराबर से जा रही कि नहीं जा रही, आपको एयर चेक करना है, एरिएशन प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब एयर कम हो गई, तो आपको करेक्ट एक्शन लेना है कि मोर एयर प्रोवाइड करनी है आपसे, क्योंकि आपका यहाँ पे एनारोबिक सिचुएशन आ गया है। दूसरा एग्जामिनेशन हमने ये करना है कि रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज की जो क्वांटिटी है वो देखना है कितनी है, ठीक है, मतलब आपका रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज ज़्यादा होना चाहिए है। और जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है उसके बॉटम में आपको देखना है कि स्लज है कि नहीं, आपको कहीं से पानी पानी तो वापस नहीं आ रहा, या कहीं आप ज़्यादा ड्रेन मार रहे हो उधर, तो आपको करेक्टिव एक्शन से लेना है कि आपको RAS की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है, रिटर्न एक्टिवेट स्लज की मात्रा बढ़ानी है। और आपका जो सेकेंडरी क्लेरिफायर है उसमें जो उसके बॉटम में स्लज की जो लेयर है 1 से 3 फीट तक होनी चाहिए। अगली ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि जो फोमिंग हो रही है वो थिक स्कमी डार्क देन फोम ऑन एरेशन, यानी कि जो इसमें फोमिंग कम हो रही है और जो स्लज है एरेशन टैंक की सरफेस वो स्कमी डार्क, ठीक है, मतलब स्लज ज़्यादा दिख रहा है आपको, फोमिंग कम दिख रही, बबल्स फॉर्म बबल्स कम दिख रहे हैं आपको, स्लज ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका पॉसिबल कॉज ये हो सकता है कि एरेशन टैंक जो है वो आपका क्रिटिकली अंडर लोडेड कंडीशन में आ गया, यानी कि आपका BOD लोड कम हो गया है और MLSS ज़्यादा हो गया है, और ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि आपने वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज ढंग से आपने कंट्रोल नहीं किया, इम्प्रॉपर हो गया। इसलिए आपको एग्जामिनेशन क्या करना है, आपने चेक और मॉनिटर करना है कि इसमें मतलब आपने जो ये फॉलोइंग जो पैरामीटर्स है इसमें आपने कैसे कैसे चेंज किया, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपने जो MLVSS है उसमें वो कैसे MLVSS आपका कैसा बढ़ रहा था, मतलब तो उसमें हमने सडन चेंजेस तो नहीं किए कुछ, ठीक है। FM रेशियो आपको कैसा घटा आपका FM रेशियो, ठीक है। DO लेवल आपने देखना है कि आपने पिछले एक हफ्ते से आप मतलब ये सब जो एग्जामिनेशन है पिछले एक हफ्ते ही एक डेढ़ हफ्ते से आप उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, DO लेवल आपका बढ़ा है या घटा है, वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज आपने बढ़ाया या घटाया है, डेली का जो आपने वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज से आप ड्रेन मार रहे थे उसमें आपने कैसे चेंजेस किया है, ठीक है। आपने मतलब एरिएशन टैंक में जो आप फीडिंग कर रहे थे उसमें आपने कैसा चेंजेस किया है, आपको pH चेक करना है पिछले एक हफ्ते का, मतलब आपको ये जो पैरामीटर्स है इनको आपने पिछले एक हफ्ते का मॉनिटर करना है, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या चेंजेस आया है इन सब पैरामीटर्स में, ये आपको चेक करना है। और इसका करेक्टिव एक्शंस क्या लेने हैं आपने कि जो वेस्ट एक्टिवेट स्लज है ना उसको आपने बढ़ा देना है, यानी कि आपने 10% पर डे के हिसाब से आपने ड्रेन बढ़ा देना है SDB में, स्लज ड्राइंग बेड में, जब तक कि आपका ये पैरामीटर्स कंट्रोल में ना आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही था गाइज। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया आपने, या अगर आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप में से कई लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से पिछली वीडियो में आप मेरे से पूछे थे कि सर कई बार एरिएशन टैंक में फोमिंग बढ़ रही है या घट रही है, तो उनके बिहाव पर ही मैंने ये वीडियो तैयार की है। आगे भी मैं ऐसी कई सारी वीडियो लाता रहूँगा, आप मुझे फीडबैक देते रहें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है और मैं इनमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस वंस अगेन।